अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के फूड ब्लॉग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा या दूधी का हलवा। तो मैंने इसमें यहाँ पर दूधी को कद्दूकस करके रखा है, और ये जो दूधी का बीज का पार्ट होता है, बीज वाला, ये हम नहीं कद्दूकस करते, साइड का पूरा पार्ट कद्दूकस करते हैं। मैंने 2 किलो जितनी दूधी कद्दूकस की है, तो हम जल्दी से हमारा हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं, वरना ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने, क्योंकि मैंने बड़ी क्वांटिटी में जो है वो लौकी कद्दूकस की है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप कम बनाइए। मैं इसको घी में बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 5 से 6 स्पून घी का इसमें डाला है, क्योंकि लौकी ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब इसमें हम हमारी कद्दूकस की हुई लौकी ऐड करते हैं। अब इसको हम थोड़ा घी में अच्छे से भुनने देंगे। तो अच्छे से घी में भुन जाए, इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही हम दूध ऐड करें, नहीं तो ये दूध जो है वो फट जाएगा। मैं ऊपर से भी 2-3 बड़ा टेबल स्पून जो है वो घी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लौकी ज़्यादा है तो वो नीचे से, मतलब ऊपर मुझे घुमाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ऊपर और ऐड कर रही हूँ घी, ताकि ये पूरी जो लौकी है वो अच्छे से घी में भुन जाए। अभी अच्छी तरीके से भुन गई है, और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने दूध को बॉईल करके रखा है ऑलरेडी, ये 1/2 लीटर पूरा दूध मैं इसमें ऐड करूंगी। इसको अच्छे से हमें स्टर करना है इसके अंदर। अब इसको हमें दूध में ही अच्छे से कुक होने देना है। अगर आपको मावा नहीं डालना है तो आप दूध थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। जब तक हमारा वहाँ पर दूध थोड़ा ड्राई हो रहा है उसमें लौकी के हलवे में, जब तक हम यहाँ पर पैन में घी ले लिया हमने, ड्राई फ्रूट्स थोड़े रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को अच्छे से कट करके रखा है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से, और जितनी भी आपको क्वान्टिटी चाहिए वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अभी इसका ये अच्छे से दूध में कुक हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 बाउल शुगर ऐड कर रही हूँ। आप आपके मीठे के हिसाब से ऐड कीजिए, आप जितना मीठा खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, वो आप आपके हिसाब से मीठा ऐड कीजिए। अब इसको हम अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि ये जो पानी रिलीज कर रही है दूधी, ये भी कम हो जाए। ये 1/2 किलो मावा है, आपको चाहिए तो आप ये स्किप कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये अभी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये मावे को हम इसके अंदर अच्छे से थोड़ा कुक कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे आपको पकाना है, और जब भी आप ये लौकी को कद्दूकस करें ना, तो उसको मोटा मोटा कद्दूकस करें, बिल्कुल बारीक ना करें। और जो उसका पार्ट जो रह गया, मैंने आपको बताया वाइट पार्ट जो बीच का रह गया है, उसकी आप भाजी बना सकते हैं आराम से। अभी मैं इसको थोड़ा कुक होने करती हूँ 5-10 मिनट के लिए, और बीच बीच में आपको इसको चेक करते रहना है। तो इसको थोड़ा हम 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे घी में, ये ऐड कर देती हूँ इसमें। और मैंने थोड़ी किशमिश भी निकाल के रखी है, किशमिश भी ऐड कर देती हूँ। जैसे आप देखिए, इसका पानी भी ऑलमोस्ट
बिल्कुल सूख गया है, इसको 2-3 मिनट के लिए कुक करते हैं, फिर हम गैस बंद कर देंगे। मैंने इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, हम इसको सर्व कर देते हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लौकी का हलवा या दूधी का हलवा भी कहते हैं कुछ लोग इसे, रेडी हो गया है। इसको मैंने इस तरह से गार्निश किया है मावे और ड्राई फ्रूट के साथ में। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर लास्ट में इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।